हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ाई एक्सप्रेस, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर एम्बिशन। दिस इज करण मिश्रा, योर गुरुजी, बनाएगा सब कुछ इजी। आज हम लोग नंबर का बचा हुआ पोर्शन देखेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन पूरा देखना, क्योंकि इससे तुम्हें नंबर्स में कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे। तो आज ये नंबर खत्म हो जाएगा हमारा। पूरा देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इस घंटे को दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो थैंक यू सो मच, चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था वाई वाले रूल तक। ये लास्ट का लेटर जब वाई होता था तो हम क्या करते थे, अब हम क्या करेंगे। देखो, अगला रूल जो है वो है इफ वर्ड एंड विथ लेटर ओ। यदि किसी भी वर्ड के लास्ट में लेटर ओ हो एंड देयर इज अ कॉन्स्टेंट, ओ से पहले कोई कॉन्स्टेंट लेटर हो, तो हम क्या करते हैं। And there is a constant before letter O, then we add ES at the end of the words. मतलब हम words के बाद में ES लगा देते हैं। ES दिख रहा है ना ये, तो जैसे देखो potato, potato में O है, O से पहले constant है तो हमने ES लगा दिया। Tomato, tomato में last letter O है, O से पहले constant है तो हमने tomatoes लगा दिया। Hero, hero में last letter O है, O से पहले क्या है, constant है तो हमने ES लगा दिया। उसी तरह मैंगो का मैंगोज, इको का इकोज। तो यदि लास्ट लेटर ओ हो और ओ से पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो तो हम ईएस लगा देते हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन देर आर सम एक्सेप्शंस। यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। हर एक्सेप्शंस क्या होते हैं ये समझ में आता है ना, एक्सेप्शंस का मतलब वो होता है जो रूल फॉलो ना करे, ठीक है। जैसे हमारा ट्रैफिक रूल बना है, वहाँ पे बताया गया है रेड लाइट जब वो तो रुकना होता है, बट बहुत सारे होते हैं जो रेड लाइट है फिर भी क्रॉस कर जाते हैं। तो ऐसे एक्सेप्शंस इसमें भी हैं। जैसे सोलो, सोलो का लास्ट लेटर तो ओ है, उससे पहले कॉन्सोनेंट भी है लेकिन ईएस नहीं लगता इसमें, एस लगता है। फोटो, फोटो में भी फोटोज लगता है। पियानो, पियानो में भी बस एस लगता है, इसका लास्ट लेटर हालांकि ओ है, ओ से पहला लेटर कॉन्सोनेंट है बट इसमें एस ही लगता है। डायनेमो, डायनेमो का भी देखो लास्ट लेटर ओ है, ओ से पहले कॉन्सोनेंट है बट इसमें एस लगता है। ये कुछ एक्सेप्शंस है जो तुम्हें याद होने चाहिए और फ्रिक्वेंटली इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये याद होने ही चाहिए। देखो, समटाइम्स वी चेंज, अगला रूल जो है वो है समटाइम्स वी चेंज द वॉल लेटर्स इन साइड द वर्ड्स टू मेक देम प्लूरल। कभी कभार हम क्या करते हैं, जो वर्ड्स के बीच में जो वॉल लेटर आते हैं उनको हम चेंज करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो मैन, मैन का मतलब एक आदमी, जैसे एक आदमी है तो एम ए एन मैन होता है, लेकिन जब एक से ज्यादा लोग होते हैं, लोग मतलब आदमी, तो हम ए के जगह ई लगा देते हैं। तो मैं वॉवल इसका क्या, इसका वॉल लेटर हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो मैन का मैन हो गया। फुट, फुट मतलब पैर, और फुट का प्लूरल क्या होता है, फीट। मतलब ये गौर से देखो, फुट जो है, फुट में हमने डबल ओ था, डबल ओ को डबल में चेंज कर दिया, तो हम क्या कर रहे हैं, इनसाइड द वॉवल, इन दोनों के बीच में जो वॉवल है उसको हम चेंज करके हम क्या बना रहे हैं, प्लूरल बना रहे हैं। टूथ का टीथ, तो इनमें ये एक रूल होता है, यदि बीच में वॉवल लेटर आए तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके हम वॉवल लेटर को चेंज करके हम उसका प्लूरल बनाते हैं, वॉवल लेटर को चेंज करके। अगला रूल क्या है, वेन वर्ड्स एंड विथ डबल वॉल लेटर्स। ये देखो, ये बहुत ही अच्छा रूल है। यदि किसी भी वर्ड्स के लास्ट में डबल वॉवल लेटर है, डबल वॉवल मतलब दो वॉवल है एक साथ, तो हम बस एस ऐड करते हैं उसका प्लूरल बनाने के लिए। जैसे देखो, एट द एंड ऑफ द वर्ड्स फॉर मेकिंग देम प्लूरल। जैसे देखो रेडियो, रेडियो का लास्ट लेटर क्या है, दो लेटर लास्ट के, आई और ओ, दोनों के दोनों वॉल है, दोनों के दोनों यदि वॉल हैं तो हम क्या करेंगे, एस लगा देंगे। स्टूडियो, स्टूडियो का लास्ट लेटर क्या है, आई ओ, दोनों के दोनों क्या है, वॉल लेटर्स हैं, तो हम इसमें एस लगा देंगे, स्टूडियोस हो जाएगा। बैम्बू, बैम्बू का लास्ट लेटर क्या है, डबल ओ, तो बैम्बूस हो जाता है, एस लग जाता है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा जू, जू मतलब चिड़ियाघर, तो चिड़ियाघर का जू बोलते हैं, उसका प्लूरल क्या होता है, जूस, क्योंकि यहाँ पे डबल ओ है, डबल ओ यानी डबल वॉवल, तो डबल, डबल ओ मतलब डबल वॉल, तो डबल वॉल लेटर है तो हम यहाँ पे एस लगा देंगे। ट्री, ट्री में क्या है, दो बार ई है, डबल वॉल है, तो डबल वॉल है तो हम क्या कर देंगे,
एस लगा देंगे। तो ये रूल था प्लूरल बनाने का जब लास्ट में डबल वॉवल लेटर आता है, ठीक है। अगला रूल क्या है, इन केस ऑफ कंपाउंड नाउन, यदि कंपाउंड नाउन क्या होता है, जिसमें एक से ज्यादा वर्ड्स जुड़ के नाउन बनता है, उसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन, अभी पढ़ेंगे हम। वी मेक देम प्लूरल बाय एडिंग एस एट द एंड ऑफ द सिंपल नाउन। जैसे देखो ब्रदर इन लॉ है, इसमें कितने तीन वर्ड्स मिलके, हालांकि ये एक ही शब्द है ब्रदर इन लॉ, तो ये कंपाउंड नाउन कहलाता है। तो इसमें यदि इसका प्लूरल बनाना है तो ब्रदर इन लॉज मत यहां पे एस नहीं लगाना है, हमें ब्रदर्स इन लॉ लिखना है, एस ब्रदर में लगाना है ना कि लॉस में, ठीक है। तो ब्रदर इन लॉ का ब्रदर्स इन लॉ होगा। स्टेप सन, तो स्टेप में एस नहीं लगाना है पहले, यहां पे सन में एस लगाना है, क्योंकि सन को नाउन हुआ ना, इसके हम गिनती कर रहे हैं ना, तो स्टेप सन्स। मेड सर्वेंट, तो मेड में नहीं लगाना है, सर्वेंट तो मेड सर्वेंट्स एस इसमें लगाना है। मैन लवर, तो लवर तो मैन लवर्स, ठीक है। पी हैन, पी हैंस, ठीक है। पीकॉक, पीकॉक्स, पीकॉक्स मतलब मोर, और पीहेंस मतलब मोरनी, फीमेल को पीहेंस बोलते हैं, ठीक है। तो पीहेन का पीहेंस, पीकॉक का पीकॉक्स, ठीक है। तो ये हो गया। सम वर्ड्स विच डू नॉट फॉलो रूल्स, कुछ होते हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे ऑक्स। देखो इसके लास्ट में तो एक्स, इसके लास्ट में तो एक्स है, तो हमारे नियम के हिसाब से इसमें ईएस लगना चाहिए था, हमारे रूल के अकॉर्डिंग इसमें ईएस लगना चाहिए था, लेकिन इसमें हम क्या लगाते हैं, ई एन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हम ई एन लगाते हैं, तो ये रूल को फॉलो नहीं करता है। हमारा दूसरा रूल ही था, यदि एक्स लास्ट में तो हम ईएस लगाते हैं, यानी ये हमारे दूसरे रूल को फॉलो नहीं करता है। माउस, माउस में रूल कोई फॉलो नहीं होता, माउस का माइस बन जाता है। इसी तरह जैसे तुम्हारे बाल में जू होते हैं, तो जू को इंग्लिश में बोलते हैं लाउस, एल ओ यू एस ई, उसका लाइस बन जाता है, एल आई सी प्लूरल। चाइल्ड, चाइल्ड का चिल्ड्रन बन जाता है, ठीक है। पर्सन, पीपल बन जाता है, ठीक है, ऐसे होते हैं। अब देखो यहां पे क्या है, सम वर्ड्स हैव टू डिफरेंट प्लूरल, कुछ वर्ड्स के दो डिफरेंट प्लूरल होते हैं और उनके मीनिंग भी अलग होते हैं। जैसे ब्रदर, ब्रदर का दो मीनिंग होता है, दो प्लूरल होते हैं, एक तो ब्रदर्स होता है जो कि नॉर्मल हम यूज करते हैं अपने भाइयों के लिए, ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स, और एक होता है ब्रदर्न। ब्रदर्न जो होता है ये यूज किया जाता है तुम्हारा, जैसे मान लो सोसाइटी में बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो सोसाइटी के मेंबर्स को हम एक साथ ब्रदर्न बोलते हैं, तो ये ब्रदर का क्या है, प्लूरल है। क्लॉथ, क्लॉथ के दो प्लूरल होते हैं, एक तो एस लगा के बनता है क्लॉथ्स, दूसरा बनता है ईएस लग के, जिसको हम क्लोथ्स बोलते हैं या क्लोज बोल सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी बोल सकते हैं। क्लॉथ्स कब बोलते हैं, जब क्लॉथ अनस्टिच्ड होता है, बिना सिला हुआ होता है, तो क्लॉथ्स बोलते हैं, एस लगाते हैं बस। ईएस लगाते हैं जब स्टिच्ड क्लॉथ होता है, सिला हुआ क्लॉथ होगा तो उसको हम क्लोथ्स बोलेंगे, क्लोथ्स या क्लोज, दोनों में से कोई सा भी हम बोल सकते हैं। तो एस कब लगता है, जब सिला हुआ नहीं होता है, ईएस कब लगता है, जब सिला हुआ होता है। इंडेक्स, इंडेक्स का प्लूरल इंडेक्सेस होता है और इंडाइसेस होता है, दोनों अलग अलग जगह पे यूज होते हैं, दोनों का मीनिंग भी अलग अलग है। इंडेक्सेस का यूज होता है टेबल ऑफ कंटेंट, बुक, बुक में जो कंटेंट का टेबल होता है उसका प्लूरल जब हम लिखते हैं तो इंडेक्सेस होता है, लेकिन यदि इंडाइसेस, इंडाइसेस का यूज होता है यूज इन अलजेब्रा, अलजेब्रा में जैसे तुम लिखते हो ना पावर, जैसे दो का पावर तीन, जैसे यहां पे ऐसे लिखोगे दो का पावर, मान लो यहाँ पे लिख रहे हो दो की पावर तीन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। तो बहुत सारे पावर हैं तो इंडाइसेस हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल में इंडाइसेस होता है, इंडेक्सेस नहीं बोलेंगे, इंडेक्सेस बोलेंगे कंटेंट वाले प्लूरल के लिए, ठीक है। ये बुक में जो इंडेक्स होता है उसका प्लूरल जब हम बनाएंगे तो इंडेक्सेस यूज करेंगे, लेकिन जब हम अलजेब्रिक वाले का इंडेक्स का प्लूरल बनाएंगे तो हम इंडाइसेस लिखेंगे। डाई, डाई का मतलब कलर होता है, तो जब डाई का मतलब कलर होगा तब उसका प्लूरल डाइस होगा, डी आई एस, डाइस, ठीक है, डाइस। और जब उसका मतलब पासा होगा, डाई का मतलब पासा होता है, लूडो खेल, तो लूडो में जो डाई होता है वो, तो यदि उसका मतलब वो है तो उसका प्लूरल डाइस होता है, सी ई लगता है। डाइस कब होता है, जब वो कलर के लिए यूज किया गया हो। डाइस कब होता है, जब वो लूडो वाले पासे के लिए यूज किया गया हो, जिसको हम क्यूब्स बोलते हैं। सम वर्ड्स हैव सेम सिंगुलर और प्लूरल, कुछ वर्ड तो ऐसे होते हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक जैसे होते हैं, उसमें कोई चेंज होता ही नहीं है। जैसे फिश,
फिश का प्लूरल यदि पूछूं तो फिश होता है, डियर का प्लूरल डियर होता है, हिरन वाला, ठीक है, शीप का प्लूरल शीप होता है, ये बात दिमाग में बैठा लो, फिश का प्लूरल फिश, डियर का प्लूरल डियर, शीप का प्लूरल शीप, यानी इसके सिंगुलर और प्लूरल दोनों दिखने में एक जैसा होता है। फिश का प्लूरल फिशेस गलत है, फिश का प्लूरल फिशेस गलत है, ठीक है। तो फिर फिशेज का यूज कहाँ करते हैं? देखो, फिशेज वर्ड का यूज हम वहां कर सकते हैं जहां पे डिफरेंट काइंड्स के फिश होते हैं, डिफरेंट काइंड के फिशेज होते हैं। जैसे मान लो फिश बहुत टाइप के होते हैं, रेहू होता है और भी बहुत सारे, तो यदि सिर्फ रेहू है, 50 रेहू है, तो हम बोलेंगे 50 फिश। हम फिशेज यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, एक ही काइंड के फिश हैं। यदि मान लो उसमें दो तीन काइंड के फिश हैं, कुछ ब्लैक फिश हैं, कुछ व्हाइट फिश हैं, ठीक है, कुछ रेड फिश हैं, अलग अलग काइंड के फिश हैं, कलर हिसाब से नहीं, उसके प्रजाति हिसाब से, स्पेसिस हिसाब से, तो हम उसको क्या बोलेंगे? तो हम उसको बोलेंगे फिशेज। हम क्या बोलेंगे उसको? फिशेज। तो टू टाइप्स ऑफ फिशेज, ठीक है, टू फिशेज, ठीक है, टू फिशेज मतलब टू टाइप्स के फिशेज हैं, एक अलग है दूसरा अलग का है, दोनों रेहू नहीं है। यदि दोनों रेहू होगा तो हम फिश यूज करेंगे, ठीक है, तो फिशेज यूज करना गलत है, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। डेली लाइफ में कुछ लैटिन वर्ड भी यूज करते हैं, ग्रीक वर्ड भी यूज करते हैं, हमें उसका मतलब पता नहीं होता, हम इंग्लिश समझ के यूज करते हैं, तो उसका भी प्लूरल हमें पता होना चाहिए। जैसे देखो सिलेबस, सिलेबस जो है लैटिन वर्ड है, इसका प्लूरल होता है सिलेबी, ठीक है। रेडियस, रेडियस भी लैटिन वर्ड है, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई। डेटम, डेटम हमें नहीं पता होगा लेकिन हमें डेटा पता होता है, तो डेटा का सिंगुलर क्या है? डेटम, डेटम से डेटा बना हुआ है। ओवम, ओवम का ओवा होता है। मेमोरेंडम, मेमोरेंडम जैसे अभी चल रहा है, मेमोरेंडम साइन किया था, बहुत सारे पार्टी साइन कर लेते हैं आजकल, जो कि गवर्नमेंट के बीच में साइन होता है, मेमोरेंडम का प्लूरल होता है मेमोरेंडा। एसाइलम, एसाइलम बोलते हैं मेंटल हॉस्पिटल को, एसाइलम का प्लूरल होता है एसाइलम्स। म्यूजियम का प्लूरल म्यूजियम्स। एनालिसिस का प्लूरल एनालिसिस। बेसिस का प्लूरल बेसिस। हाइपोथेसिस का प्लूरल हाइपोथेसिस। क्राइसिस, क्राइसिस का प्लूरल क्राइसिस। थेसिस, थेसिस का मतलब क्या होता है? थेसिस का मतलब होता है तुम्हारा, किसी डॉक्टर्स जब किसी पे रिसर्च करते हैं, किसी का ट्रीटमेंट पे, वो थेसिस कहलाता है, तो थेसिस का प्लूरल थेसिस। फेनोमेनन, फेनोमेनन सिंगुलर वर्ड है, घटना जिसका मतलब होता है, ग्रीक वर्ड है ये, तो ये फेनोमेना इसका प्लूरल होता है। क्राइटेरियन, ये सिंगुलर वर्ड है, क्राइटेरिया प्लूरल वर्ड है, हम क्राइटेरिया तो यूज करते हैं, क्राइटेरियन मतलब पता भी नहीं होता है, तो क्राइटेरियन मतलब सिंगुलर, जब किसी को एक क्राइटेरिया चाहिए एक चीज के लिए तो वो क्राइटेरियन यूज करेगा, क्राइटेरिया नहीं बोलेगा, वी नीड ओनली वन क्राइटेरियन, मतलब हमें एक ही क्राइटेरियन पे खड़े उतरना है, तो क्राइटेरियन ना क्राइटेरिया। और ये नीचे के दो वर्ड ग्रीक हैं, ये सारे के सारे लैटिन वर्ड हैं, इनका यूज हम डेली इंग्लिश में करते हैं, तो इसका प्लूरल पता होना चाहिए, तो ये याद कर लो। सम जनरल वर्ड्स एंड देयर प्लूरल, कुछ जनरल वर्ड्स जिसके प्लूरल हमें पता होना चाहिए। बट का प्लूरल बट्स होता है। एटीएम का प्लूरल एटीएम्स होता है। आई का प्लूरल आई एपोस्ट्रोफी एस होता है। टेन, टेन का प्लूरल टेन्स होगा। फाइव का प्लूरल फाइव्स होगा। फोर का फोर्स होगा। एमए का प्लूरल एमएस होता है। एमएलए का प्लूरल एमएलएस होता है। एमपी का प्लूरल एमपीस होता है। इफ का प्लूरल इफ्स होता है। सब स्क्रिप्ट में ये हम ऐसे लिखते हैं, ये याद रखना। देखो, सम वर्ड्स विच आर ऑलवेज यूज्ड एज अ प्लूरल, कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो हमेशा प्लूरल में ही यूज होते हैं, ठीक है, उसका सिंगुलर यूज हम करते ही नहीं है। सीजर्स, सीजर्स हमेशा आर होता है, हालांकि सीजर्स का सिंगुलर बोले स्पेशली, हम एस हटा देंगे तो सीजर सिंगुलर हो जाएगा, लेकिन उसका हम यूज नहीं करते हैं, कहीं पे ये नहीं लिखो कि सीजर इज, सीजर्स जो होता है वो सीजर्स आर ही होता है, प्लूरल ही यूज होता है। प्लायर्स, आर्म्स, फायरवर्क्स, रिगार्ड्स, ट्रूप्स, थैंक्स, ये सारे के सारे क्या है? प्लूरल वर्ड्स है। स्पेक्टेकल्स, गॉगल्स, ठीक है, तो ये प्लूरल वर्ड है, ये हमेशा प्लूरल की तरह ही यूज होता है। सम वर्ड्स सीम टू बी प्लूरल बट दे आर सिंगुलर, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं बट होते सिंगुलर है, जैसे न्यूज, न्यूज आर नहीं यूज करना कभी, न्यूज इज, तो न्यूज देखने में तो प्लूरल लग रहा है बट ये सिंगुलर है। एथिक्स, एथिक्स में ऐसा लगता है प्लूरल बट ये सिंगुलर होते हैं। सब्जेक्ट्स के नेम, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के नेम प्लूरल जैसे साउंड करते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, ये सारे के सारे सिंगुलर होते हैं, इनके साथ हम हमेशा इज यूज करेंगे, मैथमेटिक्स आर मत कर देना, मैथमेटिक्स इज, ठीक है। एथलेटिक्स,
लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स जो होता है ये सिंगुलर वर्ड है, प्लूरल नहीं है। इनिंग्स, वन इनिंग्स, इनिंग्स सिंगुलर है, ठीक है। सम वर्ड सीम टू बी सिंगुलर बट दे आर यूज एज अ प्लूरल। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो देखने में लगते हैं सिंगुलर बट होता है वो प्लूरल, और यूज हम करते हैं प्लूरल के। जैसे जैसे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन दिखने में सिंगुलर होता बट चिल्ड्रन ही प्लूरल है, चिल्ड्रन मत लगाना क्योंकि चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है। पीपल, पीपल जो होता है वो प्लूरल वर्ड है, पीपल्स यूज नहीं करेंगे। पोल्ट्री प्लूरल वर्ड है। पुलिस, पुलिस का हमेशा प्लूरल होता है, पुलिस इज नहीं लिखेंगे, पुलिस आर। कैटल्स, कैटल आर, कैटल्स नहीं यूज करना, कैटल आर, ठीक है। कैटल मतलब गाय भैंस। सम वर्ड्स विच आर ऑलवेज यूज इन सिंगुलर फॉर्म दे आर अनकाउंटेबल। कुछ वर्ड्स होते हैं विच आर ऑलवेज इन सिंगुलर, जो कि सिंगुलर फॉर्म में होते हैं और वो अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे देखो लगेज, लगेज है सिंगुलर, इसका यूज हमेशा इसी के साथ होगा, लगेज, ठीक है, हमेशा सिंगुलर ही इसका यूज होता है। नॉलेज, नॉलेज के साथ इज लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे, लगेज के साथ भी इज लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे। वेस्टेज, वेस्टेज के साथ भी हम इज लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट के साथ भी हम इज लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे। सीनरी, सीनरी के साथ भी हम इज लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे। तो ये आप बात ध्यान रखो, इन सब वर्ड्स का हमेशा हम सिंगुलर की तरह ही यूज करेंगे। चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मे बी प्रोनाउन, मे बी आर्टिकल्स। आप लोग बताओ में कौन सा वीडियो चाहते हो। चलो थैंक यू सो मच, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।